और आपने वो मिसाल तो जरूर सुनी होगी कि आ बैल मुझे मार, मगर खैरपुर में मामला उसके बिल्कुल उलट हुआ, जहां भागती भैंस साइड से आते मोटरसाइकिल सवार पर ऐसे चढ़ दौड़ी कि उसे खतरनाक टक्कर मारकर जख्मी भी कर दिया। ये आप मनाजर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, खैरपुर के ये मनाजर हैं जहां पर मामला बिल्कुल इस मिसाल के बरक्स हुआ है कि आ बैल मुझे मार। यहां पर मोटरसाइकिल सवार था जिसको एक साइड से आती हुई भैंस ने टक्कर मार दी और ऐसा जख्मी किया है, इतनी खतरनाक टक्कर मारी है। इमदाद बुजदार से मजीद जानते हैं, इमदाद ये क्या माजरा है, सड़क के ऊपर ये भैंसें कहां से आ गई? की जानब से 144 कलम लागू होने के बावजूद ये भैंसें हैं जो बाड़े से निकलकर दरिया की तरफ जा रही थी। इस दौरान ये जो मैन चौराहा है खैरपुर का, जो इलाका है फैज महल चौराहा, इस चौराहे पर एक तेज रफ्तार जो भैंस थी उसने मोटरसाइकिल सवार को शदीद टक्कर मारी है, जिसके नतीजे में वो वहां पर बेहोश हो गया, जख्मी हो गया। उसे जख्मी हालत में वहां से लोगों ने अस्पताल मुंतकिल किया, वो अभी जेर इलाज है। लेकिन इस भैंसों के जो मालकान हैं उनके खिलाफ इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यहाँ से स्कूल के बच्चे गुजरते हैं, खवातीन बुजुर्ग लोग गुजरते हैं, तहम उसके बावजूद इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हमारे नाजरीन ये CCTV फुटेज जो 24 ने हासिल किए देख रहे होंगे, उसमें ये जो भैंस है ये रेवड़ में शामिल एक भैंस है जो इस वक्त मोटरसाइकिल सवार को मुंह में टक्कर मारने के नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया, सड़क पर गिर गया। वहां पर लोग जमा हुए, रक्षा पर उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया, इंतजाम वहां पर नहीं, अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जबकि इस भैंस की मालिका के खिलाफ अभी तक कोई कानूनी चारा जोई नहीं की गई। शुक्रिया अमदाद बुजदार, आपने अपडेट किया।